बसमिल फ़र्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स आप लोगों का ये जो यूनिट सेवन है सेल्फ ग्रूमिंग स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन ये मैंने सॉल्व किया है मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ जो इंग्लिश की न्यू बुक है फ़र्स्ट ईयर की ठीक है सिंथैक्स बुक बोर्ड वालों की ये प्री रीडिंग के कुछ क्वेश्चन है वाई डू यू अटेंड स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन आप इंस्टीट्यूशन in कॉलेज या स्कूल क्यों ज्वाइन करते हैं i attend college to college institution or yeah, school to gain the education okay why is it essential to receive an education receive an education is essential because it teaches us how to behave how can you shortly describe an illiterate an illiterate is a person who does not know how to survive in the society Achha, number 4 do you know why he she did not receive an education आवर मैनी रिलेटिव डिड नॉट रिसीव एजुकेशन इन ऑर्डर टू लैक ऑफ़ अवेयरनेस अच्छा वाट आर द इशूज दैट मे प्रवेंट द चाइल्ड फ्राम रिसीविंग एन एजुकेशन द फॉलोइंग आर द इशूज दैट मे चाइल्ड फ्राम रिसीविंग एन एजुकेशन एक तो फाइनेंशियल इशूज लैक ऑफ मोटिवेशन लैक ऑफ अवेयरनेस गेस वुच द टेक्स्ट यू आर गोइंग टू रीड आई थिंक आई एम गोइंग टू रीड द टेक्सट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ये प्री रीडिंग के क्वेश्चन थे अच्छा उसके बाद है एक्सरसाइज वन वाइल रीडिंग तीन पोर्शन है हर यूनिट के प्री रीडिंग वाइल रीडिंग पोस्ट रीडिंग ठीक है इसमें वर्ड्स मीनिंग है वो सॉल्व करने हैं प्रनशस अफेक्टेड अपनी लिखनी है फर्नेस एन इनक्लोज फर्न स्ट्रक्चर इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड भट्ठी जो होती है फरनेस उसको बोलते हैं प्रटेंशस मीन अफेक्टेड जो असरअंदाज होता है फ्रेंकनेस द क्वालिटी ऑफ बींग ओपन ऑनेस्ट एंड डायरेक्ट इन स्पीच आर राइटिंग फ्रेंक होता है जो मतलब सीधा सीधा स्लिप शॉर्ट स्लिप शॉर्ट मीन करेक्टराइज बाई अ लैक ऑफ केयर था ऑर्गेनाइजेशन एक्सॉस्टन मीन अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल टायरनेस थक गया होता है एलिवेटेड मीन रेस्ड फैचल मीन अ बेग के रीड ऑन द शोल्डर बाई अ लॉन्ग स्टेप एंड क्लोज बाय अ फ्लेप यूज स्पेशली फॉर स्कूल बुक्स स्कूल बुक्स के लिए जो बुक बेग होता है उसको सेचअल कहा जाता है ट्रैम्प मतलब एक पर्सन जो होता है पर्सन हु ट्रेवल्स फ्राम प्लेस टू प्लेस ऑन फूड इन सर्च ऑफ वर्क आर एज अ वेगर पैगर्स ऐसे घूमने वाला उधर उधर लाइन लिंगर मीन स्टे इन अ प्लेस लॉन्गर दैन नी बिकॉज ऑफ रिलेक्टेंस टू लीव ये लिंगर मतलब रुक जाना जैसे कि जहाज़ पे कश जहाज होता है पानी वाला वहाँ पे रुकते थे लोग यंग की एन अमेरिकन सिटीजन को बोलते हैं यंग की एक्सरसाइज नंबर टू एम सी क्यूज जो हैं डेस वर डिस्कसिंग अबाउट द स्कूल अबाउट द स्कूल ड्यूरिंग वर्क माइनर्स द स्कूल वॉज प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड स्किल्स डेस्ट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स वर स्टडिंग इन द स्कूल ऑफ वर्जीनिया वर्कर्स एट डेलरी डिड द रटर वर्क एट द हाउस ऑफ जनरल ल्यूस रफनर फाइव डॉलर डे सिटी वॉज एटी टू माइल्स अवे फ्रॉम हेम्पटन रिच मंड Uh, the writer spent first night of travel at of Hampton at sidewalk near the port. The writer dashed to get money for breakfast, loaded the vessels. Number eight. Number eight Dash helped the writer in getting reception. Captain Dash was the head teacher's impression of writer's uh, impression of the writer after cleaning unusual. द राइटर एक्सेप्टेड द क्लिनिंग ऑफ रेसीटेशन रूम बिकॉज ही वॉन्टेड टू डे इम्प्रेस दैज एक्सरसाइज नंबर थ्री नेम ऑफ प्लेस मेन इवेंट्स ऑर्डर इन दोरी ठीक है अच्छा हेम्पटन जगह का नाम है सिटी इन अमेरिका वेयर द राइटर वॉन्टेड टू गो नंबर टू ऑर्डर इंड दोरी जनरल ल्यूस रफनर्स हाउस अ द साल्ट फर्नेस एंड कोल माइंड सोनर वेयर द राइटर गॉट द जॉब नंबर थ्री ऑर्डर कोल माइन बुक रखेंगे सामने एक्सरसाइज तो आप लोगों को पता चल जाएगा द राइटर वॉज लिसनिंग द टू कोल माइनर्स हु डिस्कसिंग अबाउट द रेड कलर्ड स्कूल ठीक है कोल माइन जो है वहाँ पे नंबर वन है ये सिटी ऑफ द सिटी वेयर द राइटर टुक अ शॉर्ट पाज ऑफ रेस्ट नंबर फाइव मालडन द सिटी द राइटर सा वे टू हैम्पटन नंबर फोर पे है ये एक्सरसाइज नंबर फोर अच्छा ये जो है सेंटेंसेस हैं कॉलम ए कॉलम बी से मैच करने हैं फिर कॉलम सी में लिखने हैं उनको मैंने मैच कर लिया है डायरेक्टली देख लीजिएगा अब कॉलम सी में यहाँ पे मुझे लिखना था एक का डी वन डी ठीक है ये आप लोग खुद लिख लीजिएगा द राइटर फर्स्ट वर्क इन कोल माइन एज अ वर्कर मैंने मैच किया है ठीक है ए और बी को जंबल ऑर्डर में थे द स्कूल वेयर द ही फर्स्ट स्टडीड वॉज आल्सो फेचिंग इंडस्ट्री एफ टू का एफ करेक्ट है थ्री मदर अप्लाइड फॉर वैकेंट पोजिशन वुच शी हेर ड्यूरिंग द वर्क ये ए सही है फर्स्ट मिस्टर लुइस रफनर वॉन्टेड थिंग्स प्रॉम्प्टली एट द बॉटम एब्सोल्युटली आनेस्टली एंड फ्रेंकनेस नॉर पासर बाय नो पासर बाय कुड बी सीन बिफोर आई कुड टू केट बिफोर नंबर सिक्स वेन एपियर फॉर असाइनमेंट द हेड टीचर सेड रेसिटेशन रूम नीड क्लीननेस नंबर सेवन शी नीदर एडमिटेड नॉर रिफ्यूज टू एंटर द इंस्टीट्यूशन ई इज़ करेक्ट नंबर लास्ट जो है एट आई बेस्ट ब्रेकफास्ट एंड स्लेप्ड ऑल नाइट मुदली बी इज करेक्ट एक्सरसाइज नंबर फाइव पोस्ट रीडिंग पढ़ने के बाद जो रीडिंग है ठीक है ये कुछ दिए गए हैं सेंटेंस उनके रीजन बताने हैं या कॉज बताने हैं नंबर वन स्टेटमेंट है द कोल कोल माइनरस वर टॉकिंग वन ऑफ द स्कूल इज ग्रेट बिकॉज दे हैड नॉट सच अ फाइन स्कूल बिफोर स्कूल के बारे में सोच रहे थे उनके पास पहले ऐसा स्कूल अच्छा नहीं था द राइटर केम आउट फ्राम एंग्जाइटी टू गो हम्पटन बिकॉज ही वॉज हायर्ड अ सैलरी ऑफ फाइव डॉलर पर मंथ वो एंग्जाइटी से हम्पटन से मतलब आए थे क्योंकि वो पाँच uh, डॉलर की उनको सैलरी मिली थी द राइटर हैड फ्यू क्लॉथ एंड एक्सपेंसिस बिकॉज ही वॉज फ्राम रेड कलर्ड रेस ही वॉज पुअर रेड कलर्ड का मतलब है काले लोग जो थे द राइटर बेग्ड इन वैगन्स एंड कार्स बिकॉज ही डिड नॉट हैव मनी टू हैम्पटन पैसे नहीं थे उनके पास इसलिए भीख मांगते थे द राइटर स्पेंड नाइट एट द साइड वॉक बिकॉज ही वॉज इ न्यू इन द सिटी एंड ही डिड नॉट हैव मनी टू लिव इन आन होटल अच्छा बिलू जो वाले हैं ये मैंने सॉल्व किए हैं उनके पास पैसे नहीं थे इसलिए स्वाइड वॉक पे सोते थे मतलब फुटपाथ पे वगैरह वगैरह होटल के करीब जो होते हैं द कैप्टन डिजाइड फॉर वर्किंग कंटिन्यूसली बिकॉज ही फेल्ड सिंपथी हु विद द राइटर हु वॉज हार्ड वर्किंग एंड डिड नॉट हैव एनी अमाउंट ऑफ मनी ठीक है कैप्टन उनको बार बार काम दे रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं थे द इम्प्रेशन ऑफ बॉय टू हेड टीचर वॉज नॉट सीटेबल बिकॉज ही हैड बिन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड ऑफ बर्थ एंड अ चेंज ऑफ क्लॉथिंग जो हैड टीचर थी उनको इम्प्रेशन अच्छा नहीं लगा इसका क्योंकि ये कपड़े भी इनके अच्छे नहीं थे नहाया भी नहीं हुआ था और उसके अलावा खाना भी अच्छा नहीं था इनके पास नंबर एच द हेड टीचर रब द वुड वर्क बिकॉज शी ट्राई टू नो इफ़ द ऑथर हैड मेड एनी मिस्टेक ड्यूरिंग द वर्क ऑफ क्लिनिंगस हेड टीचर ने दीवार को साफ किया मट्टी तो नहीं लगी हुई उनके साफ करने के बाद आथर की उनको नौकरी जो मिली थी जैसे ऑथर ने साफ़ किया उनको सफाई पसंद थी हेड टीचर को द बॉय टुक हार्ड वर्क इन द वेस्टल्स बिकॉज ही हैड नो मनी टू ईट ब्रेकफास्ट हार वेस्ल्स में काम करना शुरू कर दिया लड़के ने क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था खाने के लिए दैड टीचर गेट द बॉय वुड एंटर द इंस्टीट्यूशन बिकॉज ही शोड ऑनेस्टली फ्रेंकनेस एंड हार्ड वर्किंग ऑनेस्टी सॉरी टीचर ने कहा यह भाई काम कर सकता है क्योंकि उनके पास ईमानदारी थी फ्रेंकनेस और हार्ड वर्किंग ठीक है एक्सरसाइज नंबर सिक्स क्वेश्चन आंसर्स है ये मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ Uh, why was the boy inspired to go to Hampton? Why Q inspired हुआ था Hampton जाने के लिए The boy was in, inspired to go to Hampton in order to join the school there. After overhearing the beautiful description of the school by the two miners, it appeared to him more pretentious than the little colored school in their town. बेहतरीन स्कूल श्कुल स्कूल था काले लोगों के लिए इसलिए वहाँ जाने चाहता था What did he learn during work? पूरा मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ एक लाइन में दो लाइन में पढ़ के ड्यूरिंग वर्क ही आथर लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सिस्टम द हेड टीचर टॉट एम ऑनेस्टी एंड फ्रेंकनेस ईल्सो लर्न द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्लिननेस डिसिप्लिन सीखा उन्होंने स्कूल में एंड सिस्टम सीखा और हेड टीचर ने उनको ऑनेस्टी फ्रेंकनेस सिखा दी और सफाई की भी अहमियत सिखा दी व्हाट हैपन टू द मनी ही हैड हीड एट मिसिज रफ नर्स हाउस द स्मॉल अमाउंट ही हैड एट रफनर साउस हैड बीन कंज्यूम्ड बाय हिज इस्टेप फादर एंड द रिंडर ऑफ द फैमिली विद द एक्सेप्शन ऑफ अ वेरी फ्यू डॉलर्स एंड सो ही हैड वेरी लिटिल विद टू बाय क्लॉथ्स एंड पे हिज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ठीक है उन्होंने पैसों के साथ क्या किया भाई अपने स्टेप फादर के मदद की रिमाइंडर जो भी कर्जा था वो उतार दिया और बाकी जो पैसे थे उनको कपड़े वपड़े खरीद कर दिए वगैरह वगैरह वाट डिड ही डू इन रिचमेंट इन ऑर्डर टू रीच To Hampton City, Richmond में उनको क्या करना पड़ा Hampton City में पहुंचने तक. He when he reached the Richmond, he was completely out of money. He has not a single acquaintance acquaintance in the place. He started to work of unloading the goods from the vessel near the port in order to reach Hampton. He used to sleep in the street under the broad sidewalk. जब ये Richmond पहुंचा था उनके पास पैसा भी नहीं था जान पहचान वाले भी नहीं थे. इसलिए वो वेसल पे काम करते थे और उनको फुटपाथ uh, पे ऐसे होटल के करीब ही सोना पड़ता था वगैरह वगैरह वाई डिड द बॉय थैंक द कैप्टन ऑफ द शिप कैप्टन का क्यों थैंक शुक्रिया अदा करता है नंबर फाइव जो है ये वाला ओके द बॉय वैन द बॉय वॉज हंग्री ही हैड नथिंग टू बाय ब्रेकफास्ट टू ईट सो ही टू द कैप्टन फॉर वर्क ही सेटल्ड हिम एट द वर्क ऑफ अपलोडिंग ही सपोर्टेड हिम अ लॉर्ड वैन द नेक्स्ट टाइम ही नीडेड द वर्क द कैप्टन ऑफ द शिप अगेन गेव हिम वर्क सो दट ही थैंक फॉर हिम हेम फॉर इज फ्रेंस काइंडनेस कैप्टन ने उनको काइंडनेस इनके पास पैसा नहीं था लड़के के पास कैप्टन को काम दिया था जब वो चला गया वहाँ से दोबारा वापस आया फिर भी कैप्टन ने उनको तो काम दिया इसलिए उन्होंने शुक्र अदा किया कैप्टन का वाई डू द राइटर नॉट नंबर सिक्स मेक अ फेवरेबल इम्प्रेशन ऑन द हेड टीचर हेड टीचर पर फेवरेबल इम्प्रेशन क्यों नहीं डाला राइटर ने

तो ये बहुत ज़्यादा है तो आप इसकी स्क्रीन शॉट लेके आप लोग पढ़ सकते हैं नंबर एट राइट डाउन द सेंट्रल एट थीम ऑफ द अबव रीड टेक्सट इन यूर ओन सेंटेंसिस सेंट्रल थीम कौन सा है द सेंट्रल थीम ऑफ द अबव टेक्सट इज द पावर ऑफ शी डिटर्मिनेशन एंड करेज इफ़ वी आर डिटरमाइन इन नफ टू रीच अवर गोल दैन नो ऑफटेकल कैन हाइडल अवर पार्थ हार्डशिप्स एंड स्ट्रगल आर अ पार्ट ऑफ लाइफ इन स्टीड ऑफ लर्जिंग होप इन द डिफिकल्ट टाइम वन शुड बी करेजस ठीक है तो हमें सा, मुस्तकिल मिजाजी दिखानी चाहिए हम आ, मुश्किल हमारे का सामने आएगी लेकिन हमें मुस्किल मिजाजी दिखानी चाहिए कामयाबी हमारे कदम चूमेंगी नंबर सेवन अच्छा ये शॉर्ट जर्नी अपने एजुकेशन के बारे में ये आपकी सेल्फ एक्सरसाइज है लेकिन मैंने की है मैं अपनी जर्नी बता रहा हूँ आप लोगों को आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली मैं गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था माई फादर वॉज अ पुअर फार्मर मेरा अब किसान थे माई मदर यूज टू सू क्लास मेरी अम्मी कपड़े सीती थी आई यूज़ टू फॉर फफेलोस मैं भैंसें चराता था आई वॉज़ इंटरेस्टेड इन एजुकेशन मुझे एजुकेशन में इंटरेस्ट था आई वर्क हार्ड ड्यूरिंग माई अर्ली ईयर्स शुरुआती दिनों में मैंने बहुत मेहनत की थी मैंने आई यूज़ टू टेक द नोट्स वाइल आई वेंट टू फील विद माई बफेलोज भैंस चराने जाता था तो मेरे हाथ में नोट्स होते थे आई पास द मैट्रिक आफ्टर हार्ड वर्किंग मैट्रिक मैंने बहुत सख्त मेहनत से बात किया पास की थी after that i started to do work of taking mud for making the buildings i collected some amount and paid the fees of the university i sacrificed my all wishes of wearing fancy clothes shoes and some other costumes i spent four हार्ड एंड डिफिकल्ट डिफ़िकल्टर्स आई पास द यूनिवर्सिटी लाइफ नाउ आई एम हैपी चार साल बहुत मुश्किल मुझे गुजारे थे मैं कपड़े पहनने के लिए तरसता था फैंसी क्लॉथ्स या शूज़ वगैरह के लिए यूनिवर्सिटी के बाद मुझे अभी जो जॉब मिली है मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी में अच्छा ये एट है एक्सरसाइज़ वुमेन एम्पावरमेंट इस्पीच जो है ये नेट से मैंने कापी की है सिंसेयरलीकििंग ठीक है आप लोगों को मैं गुमराह करूं कि मैंने लिखा है ये गलत बात है ये मैंने नेट से कॉपी किया है तो आप लोग नेट से कॉपी खुद कर सकते हैं ठीक है तो ये है एक्सरसाइज इसकी और लास्ट है यूनिट एट हिस्टोरिकल प्लेस ऑफ हिस्टोरिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस अच्छा उनकी हेम्पटन की जो कोशिश है नंबर एट जो सेवन वाला जो मैं दोबारा समझा रहा हूँ अगर टाइम बच गया तो एक मिनट ठीक है वाशिंगटन वाज एन अफ्रीकन कलर्ड मैन चलें ठीक है इसको आप याद कर लीजिएगा अल्लाफिज़ बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर अगर मज़ीद ऐसी वीडियो चाहिए या नोट्स चाहिए तो मुझसे रब्ता करें मज़ीद ऐसी वीडियो चाहिए तो आप लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें थैंक यू वेरी मच